आज तक के शो हल्ला बोल में बोले कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंगे पाटिल। अतुल लोंगे पाटिल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने हार मान ली है, इंडिया गठबंधन आ रहा है, बीजेपी में परिवारवाद चल रहा है, चिराग पासवान का साला क्यों चुनाव लड़ रहा है। बड़े बड़े परिवारवाद की बात करते हैं, अजीत पवार की बीवी को टिकट दी तब शर्म नहीं आई क्या? तब नहीं दिखा क्या आपको परिवार? एकनाथ शिंदे के बेटे को टिकट किसने डिक्लेयर की? एकनाथ शिंदे नहीं कर पाए, वो तो टिकट डिक्लेयर कर रहे देवेंद्र फडणवीस, डिक्लेयर कर दी लेकिन दे नहीं पाए, ये परिवारवाद नहीं है क्या? आपके पास हिंदुस्तान आवामी लीग है, आपके पास चिराग पासवान है, क्या लड़ रहा है? उसका साला लड़ रहा है, खुद लड़ रहा है, पूरा परिवार लड़ रहा है, कौन कौन लड़ रहा है? अभी इतनी फेहरिस्त बना दे तो इतनी लंबी फेहरिस्त है कि आप पूछ नहीं सकते। ज्योति मिर्धा कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? आप लो तो सब ठीक है, दूसरे ले तो परिवारवाद आए। तो ये बात जो है, ये बौखलाहट जो है, प्रधानमंत्री की पहली बार दिख रही है। प्रधानमंत्री ने 10 साल में पहली बार कहा कि इनके 5-5 प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि उन्होंने हार तो मान ली है। अब इंडिया गठबंधन जो है वो आ रहा है चुनके।